अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाई हूँ बचे हुए आटे से, रात में जो बच जाता है आटा, उस आटे से मैं आज बनाई हूँ ये स्नैक्स। ये एकदम कुरकुरे बनकर रेडी होते हैं। तो चलो अभी मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैं ली हूँ बचा हुआ आटा, आप चाहे तो फ्रेश आटा भी ले सकते हो। मैं ली हूँ गेहूँ का आटा, आप चाहे तो मैदे का आटा भी ले सकते हो। हम आटे को बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल लो। इस तरह हम बेल लेंगे। अभी कोई भी एक बोतल का ढक्कन लीजिए, इस तरह मैं ली हूँ, इस तरह छोटा सा। अभी इसी के मदद से मैं शेप दे दूंगी, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हो इसको। इस तरह मैं शेप दे दूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह हम सारे कट कर लेंगे। अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी, निकाल कर इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल में फ्राई करने से पहले आपको तेल एकदम गर्म होना चाहिए। अभी इसके अंदर हम डाल लेंगे, एक मिनट के लिए हम इसको गर्म तेल में ही अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में ही। इस तरह गोल्डन कलर आना चाहिए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। ये बच्चों के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको अभी मैं निकाल लूँगी इस तरह। अभी मैं दूसरा बैच डाल के दिखाऊंगी। दूसरा बैच डालने के पहले आपको तेल को अच्छे से हीट करना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं फ्राई होंगे। इस तरह मैं दूसरा बैच को भी फ्राई कर लूँगी। अभी ये भी गोल्डन कलर आ चुके हैं, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये बच्चों के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी ये इस तरह बनकर आए हैं, तो इसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा नमक। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमेशा आप बच्चों के बॉक्स में इस तरह के स्नैक्स बनाकर दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। बाहर का जंक फूड देने से बच्चे हर हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। इस तरह आप घर में ही कोई रेसिपी बनाकर आपके बच्चों के बॉक्स में डाल दिए तो वो बहुत हेल्दी रहेंगे और वो खुशी से खा लेंगे। शुक्रिया आप मेरे वीडियो को देखने के लिए।